व्यूअर्स, प्रोग्रामिंग कोर्स के साथ मैं आपका इंस्टाग्राम पर प्रयास आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस वीडियो सीरीज़ में। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और उसको डिस्प्ले करवाया। इस वीडियो में हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, उनका सम कैलकुलेट करते हैं और डिस्प्ले करवाते हैं। व्यूअर्स, इसके लिए हमारे पास तीन जो है वो मैट्रिक्स होने चाहिए। मीन के तीन हमने टू डायमेंशनल अरे के तीन वेरिएबल बनाने हैं और दो को हमने वैल्यूज असाइन कर देनी है, उन दोनों का सम कैलकुलेट करके तीसरे में रखना है और सम जो है वो डिस्प्ले करवा देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है तीन वेरिएबल बनाते हैं अरे टाइप, टू डायमेंशनल अरे के। मीन के हम तीन मैट्रिक्स बनाते हैं, इंटीजर टाइप के हमने तीन वेरिएबल बना लिए, ए बी और सम। ए हमने बनाया टू डायमेंशनल का, जिसमें हमने कितनी रोज़ रखनी है। इसमें मैं जो है वो दो रोज़ रखता हूँ और तीन कॉलम रख लेता हूँ। सेम हमें साइज़ में सेम रखना पड़ेगा आपको। और एक हम बी बनाते हैं, उसका भी हम साइज़ जो है वो टू और थ्री ही रख लेते हैं। सम कैलकुलेट करने के लिए, सम स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया टू डायमेंशनल अरे का, टू डायमेंशनल अरे बनाया और उसमें भी हमने सेम साइज़ लिया टू और थ्री का। रिवर्स, वैल्यू इनपुट करने के लिए हम आर और सी लेते हैं, रो और कॉलम के लिए। एक हमने आर लिया और दूसरा हमने सी ले लिया। सबसे पहले हम मैसेज देते हैं इंटर वैल्यू इन फर्स्ट मैट्रिक्स, सी आउट किया, इनवर्टेड कॉमास में हमने लिखा वैल्यूज इन फर्स्ट मैट्रिक्स। उसके बाद हमने न्यू लाइन कर दिया। न्यू लाइन करने के बाद मैं फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर लूप चलाने के बाद इसमें हमने आर के साथ, पहले लूप हमने आर के साथ चलानी है, आर इक्वल टू ज़ीरो। व्यूअर, इसका साइज टू है तो हम लेस आर इक्वल वन करेंगे, लेस आर इक्वल वन, क्योंकि इसमें ओनली टू रोज हैं, पहली रो ज़ीरो और दूसरी वन के साथ जो होगी। उसके बाद हम आर प्लस प्लस कर देते हैं। आर प्लस प्लस करने के बाद हम इसके अंदर आके दूसरी लूप चलाते हैं फॉर की, ये हम सी के साथ लूप चलाएंगे, जीरो से लूप स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, जीरो से स्टार्ट हो रही है तो ये टू तक लूप जाएगी, लेस आर इक्वल टू टू, और इसमें आके हम सी प्लस प्लस कर देते हैं। उसके बाद हमने इसकी बॉडी स्टार्ट की। बॉडी स्टार्ट करने के बाद सेम जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं, मैसेज दिया इंटर वैल्यू इन एलिमेंट, इंटर वैल्यू इन एलिमेंट। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट स्टार्ट की ताकि हमें पता चलता जाए कि हमने कौन कौन सी वैल्यूज इनपुट करनी है, कौन सी रह गई हैं। इसमें हमने आर करना है, आर करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास में हम ये वाली ब्रैकेट जो है वो क्लोज करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। दोबारा से हमने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया और सी की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। सी की वैल्यू डिस्प्ले करवाने के बाद हमने जो ब्रैकेट स्टार्ट किया है इसको हमने क्लोजिंग शो करवाना है, मीन कि ये क्लोज भी हो रही है। उसके बाद हमने इक्वल का साइन शो करवाने के बाद सेमी कोलन लगा दिया और ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो एंड हुई। उसके बाद हम सी इन करके पहले मैट्रिक्स के अंदर, ए के अंदर जो है वो वैल्यू रखवाते हैं एक्सर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए आर एंड सी लोकेशन पे। ये आर और सी वेरिएबल्स हैं, ये लूप के साथ चेंज होते रहेंगे और हम पूरे मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज जो है वो इनपुट कर देंगे। सेम हमने इसको कॉपी कर लेना है दूसरे मैट्रिक्स के लिए। इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया, उसके बाद कंट्रोल वी प्रेस करते हुए इसको हमने पेस्ट कर दिया इंटर वैल्यूज इन फर्स्ट मैट्रिक्स। इसमें मैं सेकंड कर देता हूँ, सेकंड मैट्रिक्स, उसमें एक ही जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, बी, बाकी सेम रहेगा। ये दोनों मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या किया, वैल्यूज जो है वो इनपुट कर ली। इनपुट करने के बाद इन दोनों का हम सम कैलकुलेट करते हैं, तीसरे में स्टोर करते हैं। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। उसके लिए आसान सा काम है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बस ये मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बार बार जो है वो लिखना ना पड़े, वीडियो की लेंथ वो कम से कम रहे। पेस्ट कर दिया। अब गौर से देखना है कि हमारा इसमें हमने थोड़ा सा चेंज करना है। ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है, मीन हम पहला मैट्रिक्स जो है हमारा ए है, उसमें हमने आर और सी, इस लोकेशन पर हमने क्या करना है, हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, दोनों को हमने प्लस किया ए और बी को। पहली रो पहला कलम, इसका भी पहली रो पहला कलम होगा, इसकी पहली रो दूसरा कलम, और सेम इसका भी होगा पहली रो दूसरा कॉलम होगा। तो ये किस में स्टोर करना, साथ ही साथ हम सम के अंदर इसको स्टोर करते जाएंगे। सम ऑफ आर एंड सी, इस लोकेशन
कि हम साथ साथ इसको स्टोर भी करते जाएंगे। जब ये दोनों लूप्स कंप्लीट हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, इनकी पहली रो कंप्लीट होगी, फिर दूसरी रो कंप्लीट होगी, तो ये सारे दोनों का मैट्रिक्स का सम हो के इस सम वाले मैट्रिक्स में आ जाएगा। सम वाले मैट्रिक्स में जब आ जाएगा तो हमने क्या करना है, इन दोनों को इसको कॉपी कर लेना है। दोनों मैट्रिक्स की जो वैल्यूज जो है वो हम डिस्प्ले करवा देते हैं। इसको मैं दोबारा से पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर मैं एक मैसेज देता हूँ, वैल्यूज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। इसमें मैसेज दिया फर्स्ट मैट्रिक्स, उसके बाद क्या किया, सिंपल सी लॉजिक है, इसमें आके हमने सी आउट करना है। सी आउट करने के बाद हम एक टैब देंगे जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं। मीन के एक रो के अंदर हर एक वैल्यू के अंदर टैब होगा। जब ये एक कंप्लीट रो हो जाएगी, रो पूरी हो जाएगी, तो हमने एक न्यू लाइन कर देना है। एंड लाइन से हमने इसको न्यू लाइन कर दिया। न्यू लाइन करने के बाद मैं इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसमें व्यूअर्स मैं इसमें एक न्यू लाइन कर देता हूँ और इसमें फर्स्ट की जगह सेकंड कर देता हूँ कि मैं सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू जो है शो करवा रहा हूँ, और इसमें ए की जगह बी कर दिया। फिर से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा गौर से देखना है व्यूअर्स, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसमें लिखता हूँ वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स या सम मैट्रिक्स, और इसमें मैं जो है वो सम दोनों का वो शो करवा देता हूँ। व्यूअर्स प्रोग्राम जो है वो उसको सेव करते हैं और इसको चलाते हैं, रन करके देखते हैं। सबसे पहले जो है पहले इंडेक्स पे वैल्यू एंटर करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। व्यूअर्स एक रो के अंदर जस्ट तीन कॉलम है। पहली रो हमारी कंप्लीट हुई, दूसरी रो स्टार्ट हुई, ओनली हमारे पास टू रोज हैं। दूसरी रो में मैं पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू एंटर कर देता हूँ। ये हमारा पहला मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट होता है। दूसरा मैट्रिक्स, उसके अंदर पहली वैल्यू जो है वो मैं एंटर कर देता हूँ 88, दूसरी 99, डबल सेवन और 666। दूसरी रो स्टार्ट होती है उसमें 12, 14 और 13 जो है वो मैं एंटर कर देता हूँ। ये हमारे दो जो है मैट्रिक्स कंप्लीट हुए, दोनों में हमने वैल्यूज इनपुट कर दी। उसके बाद पहले क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज शो हो जाएंगी, उसके बाद उन दोनों का सम। व्यूअर्स गौर से देखना है, पहले मैट्रिक्स की पहली वैल्यू आपस में ऐड हो रही है, दोनों मैट्रिक्स की पहली पहली वैल्यू, पहले रो पहला कॉलम दोनों की वैल्यू ऐड हो रही है। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम वो ऐड होकर उसमें आ रही है। व्यूअर्स इस तरह दोनों मैट्रिक्स का सम हुआ, तीसरे में स्टोर हुआ और हमने तीनों मैट्रिक्स की वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करवा दी। व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट हम किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।